हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, बाग में खिले हुए सुंदर सुंदर फूल देख के किसको अच्छा नहीं लगता। और मॉर्निंग के समय यदि अगर हम अपने गार्डन में आएँ और हमें फ्लावर्स सुंदर सुंदर खिले हुए दिखाई दें तो हमारा मन जो है वो खुशी से भर उठता है। साथ ही ये फ्लावर्स जो है वो हमारे मानसिक तनाव को भी कम करते हैं। मैंने भी अपने गार्डन में सीज़न के हिसाब से कई तरीके के फ्लावर्स लगा रखे हैं और मैंने मेरे चैनल पे इन सभी के वीडियोज़ जो है वो अपलोड हैं। यदि आप बगीचे को लगाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके हर प्रकार के फ्लावर को देख भी सकते हैं और उनकी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। परंतु आज का वीडियो फ्रेंड्स कुछ ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने बगीचे के किसी भी फूल के बारे में आपको नहीं बताऊँगी, बल्कि आज के वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड के 10 टॉप मोस्ट फ्लावर्स के बारे में जो रैंक करते हैं उनके बारे में आपको उनकी जानकारी दूंगी, उन्हें दिखाऊंगी भी और उनके बारे में बताऊंगी भी। तो मेरे इस वीडियो के किसी भी टिप को मिस ना करते हुए शुरू से आखिर तक मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला फूल है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। दुनिया में फूल तो बहुत सुंदर सुंदर हैं, पर ये फूल इतना सुंदर है कि इसे स्वर्ग के फूल कहकर भी संबोधित किया जाता है। यह फूल क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह फूल स्वतंत्रता और आनंद का प्रतीक माना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। इसे बर्ड ऑफ पैराडाइज इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ये फूल हवा में उड़ते हैं तो एक चमकीले रंग के पक्षी के समान लगते हैं और इनका आकार भी उस पक्षी की चोंच के समान लगता है। बहुत ही सुंदर फ्लावर है। दूसरा फूल ये आपका चेरी ब्लॉसम का फूल है और ये फूल बसंत ऋतु में बहुत अधिक खिलता है। और जापान में आपको पता है जब ये फूल अपने मैक्सिमम ब्लूम पे होता है तो जापान के लोग चेरी ब्लॉसम पार्टी के रूप में इस फूल के खिलने को सेलिब्रेट करते हैं और इसे सकुरा के नाम से भी जाना जाता है। बड़े छोटे छोटे नाजुक और छोटे फूल होते हैं इसके और गुच्छों में बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा है चेरी ब्लॉसम का फूल। तीसरा फूल ये हमारा ट्यूलिप फूल है और ये मेरी बहुत मुझे बहुत अधिक पसंद है। श्रीनगर में जब शालीमार गार्डन्स में फरवरी के महीने में ट्यूलिप के बाग खिल उठते हैं तो देश विदेश से लोग इसको देखने के लिए आते हैं और ये फूल बड़ी ही सुंदर अपनी छटा पूरे शालीमार बाग में फैलाते हैं। चौथा फूल ये तो देखिए कितना ही सुंदर है, आपने अनेक प्रकार के फूल देखे होंगे लेकिन ऐसा बंदर के चेहरे वाला फूल पहली बार देखने को मिला है। इसका नाम है ड्रैकुला सीमिया। ड्रैकुला सीमिया जो है ये ऊंचाई पर इसको लगाया जाता है और इसका चेहरा बंदर के चेहरे से रिजेंबल करता है और ये 2 फुट तक के लंबे हो सकते हैं। सामान्य रूप से ये कई रंगों में मुख्य रूप से लाल, नारंगी और पीले रंग के होते हैं और ये फूल बहुत ही अच्छे होते हैं। चौथा फूल गुलाब का फूल, जो हमारे देश में जिसको फूलों के राजा के नाम से जाना जाता है। गुलाब का फूल कई वैरायटीज़ में आता है और कई रंगों में आता है। देसी विलायती दोनों प्रकार के गुलाब, इसकी बराबरी तो दुनिया के सुंदर फूलों में से ये एक फूल ही कहा जाएगा कि बड़ा ही प्यारा ये फूल है। इसके बाद का फूल जो है ये ब्लीडिंग हार्ट्स का फूल है। देखिए इसका जो आकार है वो बिल्कुल हार्ट के समान बना हुआ है
और ये फूल जो है ये पूरे सीजन भर खुलते हैं। जब तेज गर्मी होती है तो ये नहीं ब्लूम करते, वरना ये ब्लूम करते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ जो है ब्लीडिंग हार्ट वाइन के नाम से ब्लीडिंग हार्ट्स के फूल बिकते हैं, बाकी जो हार्ट की शेप वाले फूल हैं वो हमें विदेशों में ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद का जो सुंदर फूल है वो मेरी बहुत अधिक पसंद है, वो है डहलिया का फूल। डहलिया के फूल हिंदुस्तान में भी आपको जाड़ों में भरपूर देखने को मिलेंगे और ये बड़े प्यारे लगते हैं। विश्व का एक सुंदर फूल है डहलिया का फूल। इसके बाद जो फूल आता है वो है कमल का फूल। कमल के फूल पे हमारी पूजा की देवी लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और कमल के फूल को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। ये फूल उथले पानी में गर्मियों के दिनों में खिला हुआ दिखाई देता है। मुख्य रूप से ये सफ़ेद और गुलाबी रंग का दिखाई देता है और इसकी हिंदू धर्म में पूजा भी की जाती है त्योहारों पे, तो बड़ा ही सुंदर होता है ये कमल का फूल। इसके बाद ऑर्चिड्स हैं। देखिए ऑर्चिड्स के फूल जो हैं विलासिता का प्रतीक माने जाते हैं। इनमें बहुत ही अधिक सुंदर प्यारी खुशबू इसमें होती है और ये फूल ऑर्चिड्स के ज़्यादातर जो हैं वो सजावट के काम आते हैं। ऑर्चिड जो है वो सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल है और वैसे ये देश विदेश सब जगह और हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी दिखाई देता है। बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा फूल है। एक अनोखा फूल ये है जो कि दुनिया में पाए जाने वाले फूलों से इसकी आकृति बिल्कुल अलग है। ये जो फूल है ये आपका हैप्पी एलियन का फूल है और देखिए दुनिया के बाहर के जो इंसान हैं एलियन से मिलती जुलती शक्ल का है ये फूल और विदेशों में ही ये फूल पाया जाता है और देखने में बड़ा ही अनोखा है। हमारे हिंदुस्तान में ये फूल नहीं मिलता, बड़ा ही विचित्र फूल है। तो आशा है आपको इन फूलों की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय। हैप्पी गार्डनिंग।